फोटो मारो भी ले ये यो सही बता रहे शेयर यो सही शेयर बता रहे अगर दाउन देख रहे फोटो बच्चे दिख रहे छोटे छोटे मैं उन्हें दे देखिए बहुत समय से अवेटेड था ये हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम और हम लोग प्लान यही कर रहे थे कि जो वाइट टाइग्रेस है उसको मेलानिस्टिक मेल टाइगर था विक्की नाम का उसके साथ उसको पेयरिंग करा के मेटिंग कराना और उसमें हम लोगों को सफलता मिली कि इनके बीच पेयरिंग कराने के बाद मेटिंग हुआ और मेटिंग के बाद आज जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें जो बच्चे जो हुए तीन बच्चे का जन्म हुआ है तीन शावकों ने जन्म लिया है तीन शावकों में एक शावक पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है दूसरा बच्चा वो ट्राई कलर में जिसमें येलो ब्लैक और वाइट कलर है और जो तीसरा बच्चा जो अभी अभी उसने बर्थ दिया वो नॉर्मल कलर का दिख रहा है लेकिन चूंकि धारियाँ उसके ऊपर जो चॉकलेट कलर की जो नॉर्मल होती वो ना होते उसमें ब्लैक कलर की धारियाँ उसमें तो ये भी ब्लैक एंड वाइट मेलानिस्टिक ही बच्चा दिख रहा है तो इस तरह से जो कलर कॉम्बिनेशन आए जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने प्लान किया था उसी उम्मीद के साथ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन आए जो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है और ये रेसेसिव जीन या डोमिनेंट जीन जो भी डोमिनेंट होते वो अपने कलर आप नेक्स्ट जनरेशन में दिखाते हैं फन जनरेशन में तो वो उसी का परिणाम है ये और चूंकि टाइगर में इस तरह का कलर वेरिएंट आना जू में निश्चित रूप से दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आएगा और एनिमल्स के प्रति अट्रैक्शन भी पब्लिक का बढ़ेगा और एक नई स्पीसीज़ टाइगर की कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगी। हाँ निश्चित रूप से अगर ब्लैक एंड वाइट की भी बात की जाए तो वो भी टाइगर किसी के पास नहीं है क्योंकि एक ही टाइगर में जेड ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स होना और बाकी बॉडी का फर जो वाइट होना ये अपने आप में यूनिक है और जो दूसरा जो कब है शावक उसके भी जो ट्राई कलर है जिसके पैर हल्के से येलोइश है उसका कुछ गर्दन वाला पार्ट येलोइश है और उसकी जो पीठ है वो टोटली जेट ब्लैक है और नीचे जो उसके बेली वाला रीजन है जिसको हम लोग पेट वाला रीजन बोलते हैं बेली रीजन वो वाइट कलर का है तो इस तरह का ट्राई कलर वाला शावक भी उसके साथ देखने को मिला है। सर ये क्या नई जीन है या कलर के हिसाब से नई जीन है? नहीं देखिए चूँकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे मैंने पहले ही बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा खेल ही है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण ही इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन इनमें आया है और कई बार रेसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन जो अलग अलग टाइप के रहते हैं इसमें जो अपनी डोमिनेंसी दिखाने के कारण इस तरह के कलर नई जनरेशन जो आगे वाली जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग आती है उसमें देखने को मिलते हैं। सर कुल मिलाकर कितने टाइगर हो गए हैं? देखिए अब टोटल टाइगर हमारे पास 15 टाइगर हो चुके हैं जिसमें 7 तो हमारे पास कब हो गए और इन सब का आज के जो 3 ने बर्थ लिया उनको मिला के और 8 हमारे पास पहले से बड़े एडल्ट हैं तो इस तरह से करीब करीब 15 टाइगर अब हो चुके हैं।